संघ और भाजपा के एजेंट द्वारा आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश रची गई, मानो गोदी मीडिया को इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था। केंद्र के मंत्री और भाजपा नेता जिन आंदोलनरत किसानों को लगातार आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहकर संबोधित करते रहे, उसे जस्टिफाई करने का जिम्मा गोदी मीडिया के हाथ लग गया और गोदी मीडिया ने प्रदर्शन के दौरान हुई एक घटना को मुहिम में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने आकाओं को सही साबित कर सके। स्टूडियो में एंकर चीखने और चिल्लाने लगे कि देखिए, ये किसान नहीं उग्रवादी हैं। इन्होंने लाल किले पर हमला कर दिया, तिरंगे को निकालकर अपना झंडा लगा लिया, किसानों ने गणतंत्र का गला घोट दिया। हाँ, ये और बात है कि जब इसी लाल किले को प्राइवेट हाथों में दिया गया, तब इनकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। बस जो हुक्म मेरे आका की तर्ज पर किसानों को बदनाम करने का ही इनका एकमात्र एजेंडा रहा। लेकिन झूठ तो आखिर झूठ है ना, सच जल्द ही सबके सामने आ गया। गोदी मीडिया जिस शख्स को लाल किले प्रकरण में घेर रही थी, वो आखिरकार भाजपा और संघ द्वारा आंदोलन में तैनात किया गया उनका एजेंट निकला, जिसकी पहचान दीप सिद्धू के नाम से हुई। जाहिर है लोगों ने इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल ली। इसके तार भाजपा और संघ के कई नेताओं से जुड़े मिले, जिनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा सांसद सनी देओल भी शामिल हैं। और ये चुनावों में भाजपा का जोर शोर से प्रचार करता आया है। जब इसकी तस्वीरें वायरल हुई, तब आंदोलन को बदनाम करने का सरकार और गोदी मीडिया का षड्यंत्र उजागर हो गया। गोदी मीडिया में एक ही खासियत है, उसका सरगना एक ही है, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने वाले पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर वो खामोश रही जो कि बॉलीवुड में किसी सेलिब्रिटी की व्हाट्सएप चैट पर महीनों बहस करते नहीं थका था। कितनी अनोखी है ना गोदी मीडिया, जिसका सरोकार जन से ना होकर सिर्फ सरकार से है। लोकतंत्र का चौथा खंभा दीमकों के हाथ लग गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र को खोखला कर रही है, बहुत खोखला।